आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? घंटे में पूछा गया है समय, तो यहाँ पर हमें व्यक्ति की चाल का नहीं पता है, तो मान लेते हैं माना व्यक्ति की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर घंटा और धारा की चाल मान लेते हैं y। यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो जो व्यक्ति है धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो दूरी बटे समय हो जाएगी, तो यहाँ पर चाल हमें नहीं दी गई है, तो विपरीत दिशा में चाल होगी यहाँ से एक्स माइनस वाई, दूरी यहाँ पर दी है 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और समय दिया है यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट में, तो यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट समय हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट को हम लिख सकते हैं, 20 मिनट को 1/3 घंटे भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/1 सही 1/3 घंटे, क्योंकि 20 मिनट 1/3 घंटे के बराबर होता है, तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 = 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा और 3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 घंटे। अब हमारे पास दिया गया है कि 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, तो व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल दूरी बटे समय, हमारे पास चाल दिशा में जो व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस वाई और यहाँ पर दूरी हमारे पास वही दी है 4 किलोमीटर और समय यहाँ पर दिया गया है केवल 24 मिनट, तो हम 24 मिनट को घंटे में लिखेंगे क्योंकि ये किलोमीटर में दिया गया है, तो 24/60 हम 60 लिखेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ये घंटे में है तो आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा, तो यहाँ से x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 12 से 5 बार और 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो 2 × 5 हो जाएगा यहाँ से 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। यहाँ से हम व्यक्ति की चाल निकालेंगे तो हमारे पास दिया गया है यहाँ पर x माइनस वाई ही दिया गया है 3 घंटे और x प्लस वाई दिया गया है 10 घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसे सॉल्व करेंगे वहां से y कट जाएगा और यहां पर बचेगा 2x और यहां पर हो जाएगा 13, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिया गया है क्वेश्चन में कि स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 13 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर, यहाँ पर हमारे पास दूरी दी गई है 13 किलोमीटर और चाल यहां से व्यक्ति की चाल आई है 13/2 किलोमीटर, तो 13 से 13 कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 घंटे, तो यहाँ पर 13 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटे का समय लगेगा, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।